कोरोना महामारी से लड़ने के लिए डीआरडीओ की एंटी कोविड मेडिसिन 2DG अगले एक दो दिनों में मरीजों को मिलनी शुरू हो जाएगी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने दवा को लॉन्च किया है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एंटी कोविड दवा 2DG को तैयार करने में जिन वैज्ञानिकों की मुख्य भूमिका रही है उन्हें सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये दवा आशा और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। और मैं समझता हूँ कि हमारी डॉक्टर के सतीश रेड्डी जिनकी लैब के कोऑपरेशन से काम हुआ है, इनमें जिनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनको स्वयं मैं अपने हाथों से सम्मानित करना चाहूंगा, क्योंकि मनुष्य की सबसे स्ट्रांग फीलिंग यदि कोई होती है मन की, तो सेंस ऑफ रेस्पेक्ट, सेंस ऑफ प्राइड सबसे जबरदस्त फीलिंग होती है। चाहे हम उनको जितनी भी रकम दे दें, जितना भी पैसा दे दें, मैं समझता हूं कि सम्मान देने के मुकाबले उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए यह काम निश्चित रूप से होना चाहिए और हमारे जो काम हुआ है, मैं समझता हूं हमारे साइंटिफिक प्रोग्रेस का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं पुनः सभी वैज्ञानिकों को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और इसलिए मैं डीआरडीओ और ड्रग के रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़े सभी लोग हैं, जैसा मैंने कहा, उनको मैं सम्मानित खुद करूंगा और मैं अपनी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। और यह ड्रग जिसका यह इजाद हुआ है, यह आशा और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। यानी हमारे देश के सामने यदि बड़ा से बड़ा कोई चैलेंज आए तो हमारे वैज्ञानिकों के अंदर वह क्षमता है, वह ताकत है, उसका मुकाबला वह कर सकते हैं। और जो यह ड्रग का इजाद किया गया है, मैं समझता हूं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों की एक जो साइंटिफिक कैपेबिलिटी है उसकी भी एक मिसाल है, उसका भी एक उदाहरण है। और जब भी हमारे देश को जरूरत पड़ी, जब मैं रक्षा मंत्रालय का दायित्व नहीं संभाल रहा था, तब से मैं जानता हूं डीआरडीओ ने बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह किया है। और डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जिस तत्परता के साथ अपने काम में लगे रहते हैं, क्योंकि हमारे ही रक्षा मंत्रालय के ही वो सेक्रेटरी हैं, डीआरडीओ के चेयरमैन हैं, मैं उनकी भी भूमिका को देखता हूं, सचमुच मुझे लगता है कि जिसकी मैं प्रशंसा न करूं तो उनके साथ ये इनजस्टिस होगी। बहुत ही बराबर इन सब सारी चीजों में सिंसियरली वो अपना रोल प्ले करते रहते हैं। आज इस ड्रग की लॉन्चिंग हुई है और देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को हैंड ओवर किया है और इन्हें जिन्हें करना चाहिए, राजेश भूषण जी हेल्थ सेक्रेटरी और हमारे डायरेक्टर रेणी डॉक्टर गुलेरिया जी, उनको उन्होंने हैंड ओवर किया है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं या करने के परिणाम स्वरूप हम सबों को निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां सारे एक्सपर्ट बैठे हैं, वो जानते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट के द्वारा जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि आगे भी और कोई ये आ सकती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता और मैं कहना भी नहीं चाहूंगा। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया भी मौजूद रहे। बता दें, ये स्वदेशी दवा मरीजों पर इस्तेमाल के लिए कई बड़े अस्पतालों में भेज दी गई है। ये दवा इसलिए खास है, ये सीधे मरीज की कोशिकाओं पर काम करेगी जिससे इम्यून सिस्टम तेजी से ठीक होगा। इस दवा को 5 से 7 दिन तक डॉक्टर की सलाह पर लेना होगा। नवोदय टाइम्स के लिए कवर्णा ठाकुर की रिपोर्ट, दिल्ली।